अस्सलाम वालेकुम यार, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आपको पता है यार कि आज है 24 और इमरान खान का जलसा है। इंशाल्लाह जाएंगे जलसे पे, आपको दिखाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। इधर शहाब राजा शहाब की रैली जाएगी, हरिपुर में जलसा है, तो इंशाल्लाह जलसे में मिलते हैं। यार आज हरिपुर में जलसा है, और आपको पता है यार कि हरिपुर और हानपुर बिल्कुल मतलब कि ज़्यादा दूर नहीं है। तो हरिपुर हानपुर से एक जुलूस जाएगी, तो उसके आपको वीडियो दिखाते हैं। बिल्कुल मेरी दुकान के सामने से जा रही है, सामने देखो। जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया, हक खतीब अली आप है, आप है हक खतीब अली आप है, आप है तो आप लोगों ने देखा यार मेरे दुकान के सामने से जुलूस गया है। मैं इनके साथ जा सकता, लेकिन यार जिशान नहीं है, जिशान किसी काम से कहीं गया हुआ है। तो असर के टाइम मैं और जिशान दोनों जाएंगे, साथ साथ मेरे चाचू भी आ जाएंगे, तो वो शॉप पे बैठ जाएंगे और मैं चला जाऊंगा, और इंशाल्लाह आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। ये है हरिपुर पीटीआई के जलसे का व्लॉग है, और परसों के जलसे पे अबू ने मुझे सही डांटा है, कहते हैं यार तुम अपना ख्याल रख नहीं सकते, तुम इमरान खान का ख्याल रखने चले, उसको सपोर्ट करने चले हो, क्या कर सकते यार, फिलहाल तो यही करना पड़ रहा है। तो हम जलसे के लिए लेट हो चुके हैं, ये जिशान के मुंह पे 12 बजे हुए हैं, इसकी वजह से मैं लेट हुआ। मैं याद नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई गाड़ी आ गई तो उसमें जाएंगे वरना रह जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं यार, इमरान खान ने तकरीर स्टार्ट कर दी है। हाँ तो भैया यार बहुत ही अफसोस कर कहना पड़ रहा है, जिशान तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है यार। गाड़ी में हम जा रहे थे, बारिश स्टार्ट होगी तो हमें रास्ते में ही उतरना पड़ गया, क्योंकि गाड़ी के साथ हम लटके हुए थे, जगह ही नहीं थी गाड़ी में। और इमरान खान ने तकरीर स्टार्ट कर दी, तकरीबन ना यहाँ से 1.5 घंटा या 1 घंटा तो लगता है ना जाने में, तो नहीं पहुंच सकते। तो आपको वैसे ही नज़ारा देख के दिखाते हैं यार, आपसे वादा किया था कि हम जाएंगे लेकिन नहीं गए, और लेट हो गए यार, क्या कर सकते यार। तो यार पीटीआई के जलसे पे तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन यहाँ पे एक प्यारे प्यारे नज़ारे नज़र देख रहे हैं, तो जिशान और मैं फ़ोटोग्राफी कर रहे, कुछ फ़ोटो वगैरह खींच ले, और क्योंकि यार वीडियो व्लॉग बनाना ही बनाना है, ठीक है। वो चेक करो, जिशान नज़र आ रहा है तुम्हें, बिल्कुल प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर है। आए हाय हाय, कैमरा पकड़ने का अंदाज़ भी है। आप लोग को नज़ारे दिखाते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे हैं, क्योंकि ये है हानपुर। हाँ, हानपुर डैम मेरे बिल्कुल सामने नज़र आ रहा होगा, उधर बिल्कुल सामने है हानपुर डैम। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, जिशान सामने तस्वीर ले रहा है, तो ये तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरह लग रही है। ओ भाई, रोड के बीच में बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ, बना ये नज़र आ रहा है आपको। कर आए 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 ओए 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 ओए, बंदे की कुछ चेक करो यार। नहीं वैसे सही आई है ना यार, देख लो हमारी तस्वीर बहुत प्यारी है, तस्वीर हमने निकाल ली है, ये जिशान ने निकाली है, कमाल है यार भाई। मेरी शक्ल आप लोगों को नज़र आ रही है, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह शक्ल है। और बात सुनो, मैंने बोला तस्वीर अच्छी आ रही है, तो ये लड़का पता है क्या बोलता है, ये लड़का बोलता है कि मैं फोटोग्राफर अच्छा हूँ, वो फोटोग्राफर चेक करो, कैमरा इसने ऐसे लटकाया हुआ है, ये फोटोग्राफर बनेगा, वो बैग पड़ा हुआ है, उस बैग में डाल, वो खराब हो जाएगा, उस बैग में डाल जाके, नहीं, वो बैग में डाल, ये ब्लॉग मेरे वो भी देख दे, कसम से तेरे आके ना मेरी बेइज्जती करेंगे। चलो वो देख उसमें डाल, बंद करूँ, बंद तो इधर से होगा ना, ये चेक कर, ये बटन है ना, इस तरह इसको सिर्फ ऐसे ऐसे कर, इसको घुमा, इसको उल्टा उतार दे, उतारने नहीं है यार, पकड़ के रखो, उस बैग में डाल थोड़े से 2 मिनट के लिए, ये स्टैंड है, आगे चलते हैं। डैम आ रहे हैं सामने यार, डैम भरा हुआ है आज। लड़का बिल्कुल ही रोने के मूड में आया हो, यकीन करो ना,
हाँ भाई बात सुन। हाँ जीशान। तू मेरा मजाक उड़ा। कहते तुम मेरा मजाक उड़ा। कब उड़ाया मजाक यार, तो सीधी सीधी बात है। तो यार हम ना गाड़ी में खानपुर से तकरीबन 2 या 4 किलोमीटर है, 2-3 किलोमीटर दूर गए गाड़ी में, तो बारिश स्टार्ट होगी तो हम उधर ही उतर गए यार। हमने कहा यार नहीं जा सकते क्योंकि इमरान ने स्पीच स्टार्ट कर दी और आधे घंटे या 40 मिनट की तकरीर की होगी, फिर चले गए। अगर हम जाते भी ना तो 1 घंटा तो लगता है खानपुर से हरिपुर गाड़ी में। अच्छा वह हम नहीं गए, थोड़ी सी गलती होगी। कोशिश करेंगे अगली दफ़ा अगर कोई भी कमिटमेंट करते हैं तो वो टाइम पे जाए या टाइम से पहले भी जा सकते हैं। तो वापस अभी हमारे तो अभी ये हमारी सजा है कि भाई 3-4 किलोमीटर से पैदल हमने घर जाना है, ठीक है? गलती की है, बोलने दे इसको, बोल लेते इसके दिल की अरमाए यार, बिल्कुल आंसुओं में बह गए। यकीन करो दिल से मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि कितना रोया है ये। यार चुप कर यार, जिस चीज़ के लिए बंदा जितना ज़्यादा एक्साइटेड होता है ना, उतना ही फिर बंदे के साथ वो काम होता है ना कि बंदा याद रखता है यार। मैंने बोला है ना कि मुझे पता है कि ये लड़का कितना रोया, आप लोगों को नहीं पता। तो अभी हम यार पनिशमेंट के तौर पर 3-4 किलोमीटर जो हमारे घर तक रास्ता है, अपनी दुकान तक, खानपुर तक पैदल जाएंगे और ख़ुद को सजा देंगे। यार हम टाइम पे क्यों नहीं निकले, ये हमारी सजा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं, लेकिन बस किस्मत की बात है, क्यों यार अपने इलाके में इतना पास आया है लेकिन हम नहीं जा सके। लेकिन चले कोई बात नहीं, एक दिन ज़रूर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। आपको रास्ता दिखाते यार, ये बोलता ये रोता रहिए। कंप्लीट हो गई है, हम खानपुर तक पैदल चल के आए 4 किलोमीटर। जीशान क्या बोलेगा इस बारे में, ऊंचा बोलता जा। यार बात ऐसी है ना कि जिस चीज़ के पीछे आप जितना ज़्यादा दौड़ते हो ना, वो चीज़ आपसे उतनी दूर चली जाती है। तो इस बात में मेरा जवाब है यार कि वो कहीं भी नहीं गई, वो उधर ही थी, लेकिन तू ही लेट हो गया था, तेरी वजह से मैं भी रह गया हूँ। मैं और टाइप से बता रहा हूँ ना, तू कुछ और ना बता यार। तो तुम लोगों ने भी करना है लाइक वीडियो, हम नहीं गए तो हमारी गलती है, ठीक है? हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। आप लोगों ने वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है? लाजमी दुखी है हम, प्लीज़। रोने बैठ जा तू अभी, इनको तो बस जाने दे भाई, आप लोग जाओ, ये अभी रोता रहेगा।